राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। सियासी भेड़ और शेर की लड़ाई शुरू हो गई है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, देखिए रिपोर्ट। हिमाचल के सियासी दंगल में बाली और सुधीर शर्मा आमने सामने आ गए हैं। बाली का जख्म छिपाए नहीं छिप रहा और सुधीर शर्मा है इस जख्म पर जुबानी नमक रगड़ने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सुधीर शर्मा ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। सुधीर शर्मा के इस ट्वीट के निशाने पर कौन है, किस पर सस्पेंस था, लेकिन बाली के एक समर्थक ने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए इस ट्वीट का जवाब देकर सस्पेंस पर से पर्दा उठा दिया। बाली के समर्थक मनोज मेहता ने सुधीर शर्मा के ट्वीट का जवाब पोस्ट के जरिए कुछ ऐसे दिया। पोस्ट में लिखा था, कितनी बड़ी शेखी है बघारता, मेमना खुद को शेर है पुकारता। इस पोस्ट से साबित हो गया कि हिमाचल में भेड़ और शेर की लड़ाई लंबी चलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी जो हैं, हम उनके सहयोगी हैं मंत्रिमंडल के, उनकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, तो ये प्रतिष्ठा प्रदेश के लोगों की होती है, फिर जिले के लोगों की है, फिर मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की। दरअसल पूरी कहानी बाली से हुई बेरुखी से जुड़ी है। हुआ ये कि 24 दिसंबर को राहुल धर्मशाला आए थे, लेकिन राहुल के मंच पर बाली को किसी ने बैठने के लिए नहीं पूछा, ना ही किसी नेता ने बाली के लिए कुर्सी छोड़ी। सार्वजनिक मंच पर हुई इस गुस्ताखी से बाली आहत हैं। सरकार ने सफाई भी दी कि मंच पर बाली के लिए पूरा इंतजाम था, लेकिन बाली पूछ रहे हैं, जब इंतजाम था तो इज्जत को ऐसे क्यों उछाल दिया गया। नाम उसने सुनी था, सीएम साहब को शायद पूरी जानकारी उनके अधिकारी जो नहीं दे रहे, जब उनके पास वो लिस्ट होगी जिसमें मेरा नाम था, मगर वो उन्होंने वो लिस्ट नहीं देखी होगी जो एसपीजी के पास थी। मैं तो एसपीजी के जो डीआईजी जो भी थे सबसे बड़े अधिकारी, वो मुझे वहाँ मिले, उनका नाम लेके बता रहा हूँ कि फिर मेरी कल भी परसों भी उनसे बात हुई लग गई। उन्होंने कहा कि छोड़ी सर जो नेम है जोड़ते हैं, हमसे एक मैं नेम जोड़ते हैं तो, और उससे मैंने कई और लोगों से भी बात की है, तो उन्होंने भी कहा नहीं था, नहीं था तो नहीं था, कोई संज्ञान लेने की बात है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है कि भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्टर जो है उसकी क्या इज्जत समान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्होंने डिसाइड करना है। आई मिनिस्टर इन हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वीरभद्र सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। हिमाचल के कोने कोने में मंत्री से लेकर संतरी तक विकास कार्यों के गुणगान का गाना गा रहे हैं। एक मंत्री को राहुल के साथ बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली तो उसका दिल दर्द का समंदर हो जाता है, लेकिन उन गरीबों का क्या जिनका हक रोज मार दिया जाता है। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।